ताकि अरे आज मेट्रो का ट्रायल रन है, भारत माता की आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित प्रदेश के जल संसाधन मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री बहन उषा जी, यशस्वी सांसद भाई शंकर जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक महेंद्र हार्डिया जी, हमारे महापौर इंदौर आदरणीय पुष्पमित्र जी, आदरणीय भाभी जी, हमारी विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, भाई गौरव रणदिवे जी, नगर अध्यक्ष बीजेपी मनोज पटेल जी, यहाँ से हमारे उम्मीदवार गोलू जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, समय काफी हो गया है, आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, इंदौर का एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। इंदौर मेरे सपनों का शहर, इंदौर स्वच्छतम शहर, इंदौर स्मार्ट शहर, इंदौर आईटी सिटी, इंदौर हाईटेक सिटी और अब इंदौर ने टेम्पो से मेट्रो तक का सफर तय कर लिया है। आज ट्रायल रन हमारा प्रारंभ होने वाला है मेट्रो का। मेरे मित्रों, ये इंदौर में मेट्रो मतलब नई परिवहन क्रांति। कुछ समय तक सपना हुआ करता था, कुछ वर्षों पहले तक, कि हमारे देश में भी कभी मेट्रो चलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण ये संभव हुआ है। और जैसा आपने देखा प्रेजेंटेशन में, कितने कम समय में, मैं मनीष जी और उनकी टीम को आज बधाई देना चाहता हूं, हमारे मेट्रो के सपने को साकार किया है। बीच में काम बंद हो गया था, शंकर जी कह रहे थे, पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में पटक दिया था, लेकिन फिर से सरकार आने के बाद हमने युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ किया। और अब समय देखिए, कितने कम समय में कई काम इंदौर में पूरे हुए हैं। मैं अभी देख रहा था इंदौर में जिस तेजी से 6.3 किलोमीटर लंबे मेट्रो बायोडक का निर्माण 484 दिन में हो गया, ट्रैक बिछाने का काम केवल 4 महीने में पूरा किया गया, 13 ट्रैक टर्नआउट का निर्माण मात्र 27 दिन में किया गया, 18 दिन में ट्रैक के 13 टर्नआउट्स का विद्युतीकरण किया गया, डिजाइन निर्धारण के पश्चात केवल 5 महीने में मेट्रो रेल कोच का निर्माण पूरा कर लिया गया और 45 दिनों में ट्रैक्शन थर्ड रेल प्रणाली का संपूर्ण कार्य पूरा किया गया और 23 दिन में 4 एस्केलेटर लगाए गए। इतनी तेज गति से काम के लिए तालियां बजा के टीम मेट्रो का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ये मेट्रो सुरक्षित सफर, सड़क दुर्घटना का कोई डर नहीं, सुगम सफर, कम समय पर, कम समय में गंतव्य तक पहुंचेंगे, सुविधापूर्ण, धक्कों और झटकों से मुक्ति, साफ और स्वच्छ परिवेश में यात्रा और सस्ती। मेट्रो की यात्रा 2-व्हीलर से भी सस्ती साबित होगी, ये सुंदर भी है और सस्टेनेबल भी है। मेट्रो छात्रों के लिए भी वरदान है और केवल छात्रों के लिए नहीं, ये अमीर और गरीब का भी भेद मिटा देगी। 4-व्हीलर वाले भी मेट्रो में चलेंगे और 2-व्हीलर वाले भी मेट्रो में चलेंगे, तो ये खाइयां भी पूरा करने भरने का काम हमारा मेट्रो करेगी। मैं आज मेट्रो के ट्रेन रन के अवसर पर सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बहुत जल्दी, साल भर नहीं मनीषा बैठे, 5-6 महीने में रेगुलर संचालन मेट्रो का प्रारंभ कर दिया जाएगा और मेट्रो का हमारा तेजी से सफर तय होगा। मैं इस अवसर पर अपील भी करना चाहता हूं इंदौर वासियों से कि अधिकतम हम प्रयास करें मेट्रो में सफर करने का। जब मेट्रो चलेगी तो आप बताइए सब रेगुलर मेट्रो से सफर करेंगे,
अरे जोर से बताए करेंगे। मैं टीम मेट्रो को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों ये मेट्रो अब केवल इंदौर में नहीं रहेगी, इंदौर में कहां कहां चलेगी प्रेजेंटेशन में आपने देख लिया, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अब हमारा संकल्प है मेट्रो इंदौर से पीथमपुर भी चलेगी, उसका भी सर्वे का काम चल रहा है, काम प्रारंभ किया जाएगा। और दूसरे इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलना चाहिए, अरे चलना चाहिए, तो बोलो महाकाल महाराज की। तो हमारा यह संकल्प है कि 2028 के सियास्त में आप इंदौर से मेट्रो में बैठ के उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने जाएंगे। उस काम को भी हम प्रारंभ करेंगे। एक बात और हमारे सांसद जी ने कही है, इंदौर को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, तो आप इंदौर को, इंदौर बहुत तेजी से विकास कर रहा है, आसपास के क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसलिए इंदौर एवं आसपास के क्षेत्र को समुचित विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी यहाँ पे, ताकि तेज गति से अपना इंदौर आगे बढ़ सके। एक समस्या और यहाँ के लोगों ने, हाँ सावेर होते हुए जाएगी तुलसी बाबा, सावेर के बिना उज्जैन पहुंचेगी कैसे, और यहाँ रजिस्ट्री पे बैन लगा हुआ है, मुझे बताया गया गांधीनगर में, और गांधीनगर वासियों ने भी मेट्रो के निर्माण में पूरा सहयोग दिया है, ये रजिस्ट्री के बैन पर भी रोक हटाने के लिए तेज गति से कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबको मेट्रो के जीएसटी ट्रिब्यूनल की मैं अलग से बात करूंगा, मेट्रो से उसका कोई संबंध नहीं है, उसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा। तो एक बार मैं फिर इंदौर वासियों को मेट्रो की सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बढ़ता रहे इंदौर, मुस्कुराता रहे इंदौर, आगे चलता रहे इंदौर। एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बोलिए भारत माता की, अपने इंदौर की और इंदौर वालों की। हर हर महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनूठी सौगात के लिए। पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल है और इंदौर के लिए गर्व के पल है। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गांधीनगर स्टेशन के लिए प्रस्थान करें और वहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर, आज ट्रायल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे और स्वयं उसमें बैठकर निरीक्षण करेंगे इंदौर की मेट्रो रेल का। प्राथमिकता कॉरिडोर के ट्रायल का शुभारंभ हो चुका है और पूजन के साथ, विधिवत पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर चुके हैं गांधीनगर स्टेशन पर। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेट्रो रेल ट्रायल का शुभारंभ होगा और पूजन के पश्चात हरी झंडी दिखाकर वे स्वयं मेट्रो ट्रेन में बैठकर